तो दोस्तों गुड इवनिंग, आईसीएल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने 6 पार्ट कवर किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और आज हम 7th पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। और 7th पार्ट में हम पढ़ेंगे इंसर्ट रिबन टैब का ये इलस्ट्रेशन पूरा का पूरा बॉक्स। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें पिक्चर इंसर्ट का मतलब पिक्चर इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, इसमें स्क्रीनशॉट का ये आपको समझना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम हमारा स्क्रीनशॉट से ही होता है अगर हम कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं एक अपने उसमें पेज में डॉक्यूमेंट लेता हूँ, जैसे नॉर्मली हम नॉर्मली लेते हैं, ये लीजिए। देन चलिए सबसे पहले पिक्चर में चलते हैं। आप पिक्चर आपको कहाँ से लेनी है, पिक्चर ले लेते हैं भाई, डेस्कटॉप वगैरह में पिक्चर है तो अच्छी बात है यार, मिल जाए तो। एक मिनट जरा, कोई पिक्चर है, चलिए यार इसे ही ले लेते हैं, चलो अब ऐसी बात है तो। यहाँ पर ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर ली, अब ये थोड़ी सी बड़ी आ रही है। और देखिए दोस्तों सबसे खास बात क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ऐसे हिडन टैब होते हैं, रिबन टैब होते हैं, जो किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के बाद ही आते हैं। जैसे ये फॉर्मेट आया, अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ये लीजिए गायब हो गया। अगर इस पे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। चलिए मैं थोड़ा सा पहले इसको पिक्चर को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। देन इसे मैं थोड़ा सा इस साइड से बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जा यार, ज़्यादा बड़ा हो गया यार ये तो, चलो इतना बहुत है ताकि मैं आपको समझा सकूं। चलिए सबसे पहला, जैसे ही आप इसमें पिक्चर ऐड करते हैं, देखिए फॉर्मेट रिबन टैब आ गया। और मैं पूरा फॉर्मेट रिबन टैब आपको समझा देता हूं यहां से लेके यहां तक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड। अगर आप अपना इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कैसा हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से आएगा, और आप बार बार डबल डबल क्लिक कर दीजिए तो ये लीजिए इसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया, बाकी बचा ये। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ इसको। पहला ऑप्शन आपको समझ में आया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है इसमें करेक्शन। करेक्शन का मतलब आप नॉर्मली रिमोट अपने टीवी पे भी, अपने मोबाइल में भी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं भाई, ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा और सुंदर बनाना है। ये लीजिए मैंने इस पर इस तरह से क्लिक कर दिया तो देखिए और ज़्यादा चमकदार हो गया, ऐसे है तो नहीं इतना चमकदार ये। ठीक है, कलर पे गए, अब कलर में आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, राइट। तो ये लीजिए मैंने इस पे ये कलर कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है, इसको दे दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसके इफेक्ट आ रहे हैं, आप इफेक्ट देना चाहें, मुझे तो खैर इन तो पसंद नहीं है ये सब चीज़ें इफेक्ट्स वगैरह, तो मैं अगर चलिए फिलहाल फाइनली ये देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। देन इसके बाद कंप्रेस पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर मतलब साइज कम कर देता है ये। चेंज पिक्चर यानी कि आपको पिक्चर चेंज करनी है। रीसेट पिक्चर आपको पहले जैसी ही करनी है तो आप कर सकते हैं, जैसे क्लिक किया ये लीजिए पहले जैसा हो गया। ये तो कुछ ऐसा हो गया यार, ड्राइंग बनाई और किसी ने उसे रबड़ से मिटा दिया। आई होप आपको ये एडजस्ट बॉक्स समझ में आया अच्छे से। देन इसके बाद देखिए ये वाला क्या बोल रहा है, पिक्चर स्टाइल। बताइए भाई साहब कैसा स्टाइल लेना चाहते हैं, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अब यार ये तो कैसा भी ले लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कुछ और स्टाइल्स वगैरह हैं। चलिए ये भी ठीक ठाक लग रहा है, चलिए मैंने ये ले लिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, पिक्चर बॉर्डर। भाई पिक्चर बॉर्डर में यार दें ना दें, इससे तो कोई हमारी पिक्चर विक्चर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, लेकिन चलिए किसी का है तो दिल रख देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड कलर का ये क्या हो गया, पिक्चर में बॉर्डर हो गया, बॉर्डर की पिक्चर उसमें, पिक्चर की बॉर्डर में इसमें कलर हो गया, वॉट इट। देन इसके बाद देखिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्या है, पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में आपके पास 7, 7, 8 ये अप्रोक्सीमेटली दिए हुए हैं। तो देखिए 3D रोटेशन, आई लव 3D रोटेशन। ओहो कहाँ भाग गया, ऊपर भाग गया क्या, ये देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है ये। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है रिवल, इसमें बहुत कम वैसे यूज किया जाता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम इसको यूज किया जाता है, काफी अच्छा इफेक्ट मिलता है इसका, राइट। हाँ इसके बाद आता है, कभी आपने देखा होगा भाई ग्लो वगैरह में, पिक्चर के बाहर बहुत ग्लो आ जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा इफेक्ट आपको नजर आ रहा है इसमें। रिफ्लेक्शन में क्या है, आप मिरर में देखते हैं, पानी में देखते हैं, उस तरह से आपके रिफ्लेक्शन परछाई पड़ती है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, शेडो में हल्का सा शेडो आ जाएगा बराबर में, और कुछ नहीं होगा, ये देखिए। तो अभी हम क्या करना है, अभी आपको कोई सा भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, मैं थोड़ा सा इस तरह से इसको लेता हूँ, वॉट इट।
चलिए आई होप आपको ये भी समझ में आया। पिक्चर लेआउट भाई, आप यहाँ पर इतने सारे ये अवेलेबल हैं, देखते हैं किसी में यह फिट बैठ जाए। ये है, नहीं यार इसमें भी फिट नहीं बैठता, इसमें तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया थोड़ा बहुत। चलिए ये भी ठीक ठाक सा लग रहा है, अगर आप ऐसा लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्राइब करना है, ले सकते हो। मैं तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ कि यार पहले जैसा ही ठीक है। चलिए वापस आइए फॉर्मेट रिबन टैब पे। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये देखिए क्या है पोजीशन। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करना होगा, इतना बहुत है, ये लीजिए ठीक है। देन इसके बाद पोजीशन पे चलते हैं, और पोजीशन पे देखिए 9 पोजीशंस आपके पास अवेलेबल है, ये रही राइट। तो अगर आपको अपनी पिक्चर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट को ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और थोड़ा सा अगर छोटा करूँ, ये लीजिए पोजीशन में आते हैं तो देखिए यहाँ रखना है तो यहाँ आ जाएगा, मिडल में ये मिडल रखना है तो इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। यानी कि 9 आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे मर्जी इसको रख सकते हैं राइट। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। देन इसके बाद देखिए क्या लिखा है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट को आपको ध्यान से समझना होगा, और अगर आप ये लेते हैं तो इस तरह से डॉक्यूमेंट आएगा इस तरह से। देखिए ये नीचे चला गया, बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट ऊपर और वो पिक्चर नीचे आ जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इस तरह से तो शायद हम लेते नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पीछे के टेक्स्ट हैं वो हाइड हो जाएंगे, दिख नहीं रहे ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर यही ले लेता हूँ ठीक है। देन इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन। रोटेशन में आप रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे, डिपेंड करता है कि भाई साइज क्या है। तो मैं नॉर्मली पहले पहले जैसा हो जा भाई ठीक है। ये तो थोड़ा सा यार इधर ही हो गया, हमारा तो इनकम टैक्स ही उल्टा हो गया यार। 90% ये भी हो जा, ये भी हो जा, पहले जैसा तो हो जा, चलिए हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मुझे पिक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। अगला है आपका दोस्तों क्रॉप। क्रॉप तो हर कोई यूज करता है मोबाइल में आजकल, सारे दोस्तों की फोटो काट के आप अपनी फोटो लगा लेते हैं राइट। तो सेम ऐसा ही है, क्रॉप पे चलते हैं। ये सिंपल नॉर्मल क्रॉप है, आप जितना इसको खींचेंगे आपका ये क्रॉप कर देगा। इतना क्रॉप करना, इतना एप्लीकेबल डबल क्लिक करिए, ये लीजिए हो गया क्रॉप ठीक है। देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आपको किसी वे में क्रॉप करना है, जैसे कि क्रॉप टू शेप, शेप में क्रॉप करना है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ठीक है, तो आप उसी को बस क्लिक कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा प्रोसेस। देखिए मैं जरा मान लीजिए इसमें क्रॉप करना है, क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, ये लीजिए हो गया उसी वे में राइट। हाँ अच्छा तो नहीं लग रहा इतना, खैर पहले जैसा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। आपको बाकी रेशियो में क्रॉप करना है तो भाई साहब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। देखिए अगर 5 इसमें 16 10 में करना है, ये लीजिए डबल क्लिक कर दीजिए, हो गया जी भाई साहब राइट। थोड़ा और चलते हैं, ये सारा आप कर सकते हो फिट, ये सब ऑप्शन एक बार यूज करके देखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइट, अगर हाइट वगैरह बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, विड्थ कम करनी है विड्थ बढ़ानी है तो आप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से इसको यूज करें। तो आई होप आपको इंसर्ट रिबन टैब का पहला फीचर समझ में आया पिक्चर का। एक नई फाइल लेते हैं कंट्रोल एन करके, और यहाँ पे इंसर्ट में चलने के बाद ये ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन है। अभी मेरा नेट वर्क नहीं कर रहा, तो आप ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से ले सकते हो। 3D पिक्चर HD फुल अवेलेबल है। इसके बाद अगला फीचर यहाँ पे देखते हैं शेप, राइट। शेप में जाइए, किसी भी चीज को हम डायरेक्शन देने के लिए भाई लेफ्ट जाना राइट जाना है, और ये मैक्सिमम शेप हम जब बाइक वगैरह कार वगैरह यूज करते हैं तो रोड पे शेप आपको नॉर्मली मिल भी जाती है ठीक है भाई। ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, यानी इसमें लिखना पढ़ना कुछ है नहीं, बस डायरेक्शन को देख के आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे इन सब के नाम हैं, और पर्टिकुलर अलग अलग ही ये यूज होते हैं। बेसिक शेप, थियरी, एरो शेप, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ठीक है। इक्वेशन के लिए फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, इस तरह से। तो एक कोई भी एक लेके मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये ले लिया मैंने, अब आपको लेना कैसे है, कर्सर को दबा के रखिए जहां से जहां तक आपको चाहिए, और ये मैंने ले लिया राइट। इसको लेते ही यहाँ पे फिर से वही फॉर्मेट रिबन टैब आ गया। देन इसके अंदर कुछ अगर आपको लिखना है तो इसमें एडिट शेप क्लिक कर दीजिए, एडिट पॉइंट्स, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ICL क्लासेस राइट। ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। होम रिबन टैब में
ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, मुझे दोबारा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। गॉट इट? ये देखिए, तो इस तरह से आप यूज़ भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फिर लगा सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल एन करता हूँ, फिर अगली चीज़ समझते हैं, इंसर्ट रिबन टैप में स्मार्ट आर्ट। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है और बहुत अमेजिंग चीज़ भी है। चलिए एक बार यूज़ करते हैं इसका। स्मार्ट आर्ट पे गए, देखिए यहाँ पे ऑल स्मार्ट आर्ट्स अवेलेबल हैं, लिस्ट लिस्ट भी अवेलेबल है, किसी चीज़ को शो करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, प्रोसेस ये भी अवेलेबल है आपका। आई होप इस तरह से आपने देखे भी होंगे साइकिल, ये सारी चीज़ अवेलेबल हैं। ये इस तरह के हम बिजनेस में पढ़ते हैं, हाँ भाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरह से सर्विस सेक्टर कितना है। अब मैं साइकिल समझा देता हूँ आपको, साइकिल बहुत प्यारा भी लगता है, मैं इसको बहुत यूज़ भी करता रहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। देखिए साइकिल पे जाइए और इसको यूज़ कीजिए, जैसे कि फॉर लिखा है रेडियल साइकिल, आप इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे आप इजीली वे में आप इसको बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे ICL क्लासेस, राइट। अब ICL क्लासेस में आप किस किस तरह की क्लासेस लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई इनकम टैक्स, कॉस्ट, टैली ERP 9 और बिजी, राइट। तो देखिए आप इजीली वे में बस आप इसको अलग क्लिक करिए, हटाइए इसको और आपके सामने ये अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए दो रिबन टैब आए इसके साथ, तो भाई साहब ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा है। आप इसे यहाँ से देखिए कलर वगैरह भी अगर आपको चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल एन करते हैं, एक नई फाइल और लेते हैं। लास्ट चीज़ आपको समझा देता हूँ, देखिए क्या चार्ट का यूज़ मैं आपको एक्सेल में सिखा रखा है मैंने आपको, वहाँ से यूज़ कीजिएगा। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है, इससे पहले जो विंडो खुली होगी उसकी स्क्रीनशॉट आ जाएगी। जैसे मान के चलते हैं, इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा डेस्कटॉप है, मुझे इसकी इसका प्रिंट स्क्रीन लेना है, तो यहाँ पे गया मैं अपने डॉक्यूमेंट पे, प्रिंट स्क्रीन पे जाइए और यहाँ पे लिखा है स्क्रीन क्लिपिंग, क्लिक कीजिए, दो सेकंड वेट कीजिए, आपकी विंडो ये वाइट हो जाएगी। अब इसमें से जितना डेटा आपको चाहिए वहाँ से सिलेक्ट कीजिए और कर्सर को छोड़ दीजिए, अपने आप वहाँ पे ये चीज़ आपकी परफेक्टली आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों, देखिए ये आपको समझ में आ गया, तो आई होप दोस्तों आपको इंसर्ट रिबन टैप का इलस्ट्रेशन बॉक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ICL क्लासेस के आप इस वीडियो को देख के कमेंट कीजिए, मोर वीडियोस के लिए कभी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।